आज फिर शराब पी के आए हो? आपका ये रोज रोज का हो गया है। तो फिर खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ खाना लगाओ मेरा। पापा आप इतनी शराब क्यों पीते हैं? ये जुआ शराब छोड़ क्यों नहीं देते? चुप। बड़ी आई मुझे सीख देने के लिए। क्यों ना दे सीख, घर में एक यही तो है जो कमा रही है, इसी की कमाई से घर चल रहा है, इसी की कमाई से आप खा रहे हो। और आपको जो 10,000 रुपए मिल रहे हैं पेंशन के, वो तो आप ये जुए और शराब में ही उड़ा देते हो। अच्छा, तुम दोनों माँ बेटे के मुंह कुछ ज्यादा नहीं चल रहा है आजकल? है मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूंगा, मैं दारू पीऊं, मैं जुआ खेलूं, तुमसे क्या मतलब? पापा हम तो आप चुप, अपना काम कर। जब भी देखो लेक्चर देते रहते हैं मेरे को दोनों। मम्मा, मम्मा, क्या हुआ बेटा, क्यों शोर मचा रही है? मेरा लैपटॉप कहाँ है, कहीं मिल नहीं रहा है। अरे यहीं कहीं पड़ा होगा। मुझे अच्छे से याद है मैंने अपने ऑफिस के बैग में ही रखा था और मैंने पूरा रूम ढूंढ लिया है। अरे गलती से ऑफिस ही भूल आई होगी। पापा पापा ठीक है, आई उठी। इतनी सारी शराब की बॉटल है? अरे 2 महीने से तो तुम्हारी पेंशन नहीं आई, कहां से ले आए? पापा मेरा लैपटॉप कहां पर है, आपने देखा क्या? लैपटॉप वो मैंने बेच दिया। तुमने बेटी का लैपटॉप बेच दिया? अरे कैसे बाप हो तुम, कुछ तो शर्म करो। अरे मेरे ऊपर कर्जा बहुत चढ़ गया था जुआ खेलने से, लैपटॉप बेच दिया मैंने कर्जा चुकाने के लिए। अब बेटी के सामान पे मेरा भी तो कोई हक है, जो पैसा बचा मैं शराब नहीं आया। पापा पैसा कैसे कर सकते हैं? अब आप शराब के लिए क्या घर का सामान भी बेचोगे? चुप, मेरी मर्जी, जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूंगा। तुम कौन? घर मेरा, सामान मेरा, टीवी फ्रिज मेरा, जिसको मर्जी बेचो, तुम कौन? अब से तो बात करना बेकार है। मत कर। सुन बेटा, मेरे गहने, यही तो रखे थे। सुनो इधर देखो। क्या हुआ? वो मैंने अलमारी में गहने रखे थे, कहाँ गए? वो मुझे क्या पता, तुम्हारे गहने तुम रख के भूल गई होगी। झूठ मत बोलो, मुझे पता है तुमने लिए होंगे। और 2 महीने से तुम्हारी पेंशन नहीं आ रही और रोज रात को दारू पी के आ जाते हो। हाँ तो फिर मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, मुझे सच सच बता दो मेरे गहने कहाँ है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चिल्ला क्यों रही हो मुझ पर? तुम्हारे गहने मैंने गिरवी रख दिए। हैं? हाँ, वो सोचा था कि वो जुआ खेलकर पैसे वापस कर दूंगा, पर वो हार गया। ए भगवान, कैसे बाप हो तुम? हमारी बेटी के लिए रखे थे मैंने गहने और तुमने सारे गहने गिरवी रख दिए। जब भी देखो बबराती रहती हो, चिल्लाती रहती हो, चैन से नहीं रहने देती। अरे सुनो ना मेरी बात। मोहल्ले में बहुत चोरियां कर ली, चल थाने अब। नहीं इंस्पेक्टर साहब ऐसा मत करिए, देखिए मेरी बात तो सुनिए। देखिए इंस्पेक्टर साहब, कहाँ ले जा रहे हो इनको, क्या हुआ? इनके खिलाफ FIR हुई है मोहल्ले में चोरी करते हुए। छोड़ ना, ये बिल्कुल गलत है, तुम समझाओ इनको। मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैं सच कहता हूं। काश हम कह पाते, आपने तो अपने जुए और दारू की लत में काम करती बेटी का लैपटॉप बेच दिया। अरे मेरे गहने तक नहीं छोड़े, अब हमें आप पे भरोसा नहीं है। ऐसा मत बोलो, देखो मैंने कोई चोरी नहीं की। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब यकीन कीजिए मैंने कोई चोरी नहीं की। अपने निर्दोषी के किस्से थाने में सुनाना, अभी चल यहाँ से। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। मैं देखो सुनना बेटा, तुम समझाओ ना,
देखो मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं ना दारू को हाथ लगाऊंगा ना मैं जुआ खेलूंगा। मैं सही कहता हूँ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। देखो देखो बेटा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। सुनिए इंस्पेक्टर साहब, पापा आप सच में अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देंगे? हाँ बेटा, सच में मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बिल्कुल शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, जुआ भी नहीं खेलूंगा, बस मुझे माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब आप पापा को छोड़ दीजिए। पापा ये इंस्पेक्टर सौरभ है, मेरे कॉलेज फ्रेंड, इन्हें मैंने ही यहाँ पर बुलाया है। जिस दिन आपने मम्मा के गहने गिरवी रख दिए थे उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं आपको अपनी गलती का एहसास दिला कर रहूंगी, इसलिए मैंने ये सब किया। इस बार तो छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार से ऐसा कुछ सुनने को मिला तो सीधा जेल होगी। जी मैं भी तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, कसम खाता हूँ आइंदा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ना दारू पीऊँगा ना जुआ खेलूँगा। पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं इस नशे में इतना डूब गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब मैं नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज। कोई बात नहीं, देर से ही सही, आपको अपनी गलती का एहसास तो हुआ। चलो घर चलो। आइए पापा। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो हैप्पी न्यू ईयर।